बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से 12 मसाले छोले रेसिपी, जो आप अपने बाहर से खरीदते हैं आप उसको घर में आसानी से बना सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारी जो आज की रेसिपी है 12 मसाले छोले रेसिपी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अज्जा नोट कर लीजिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वाइट वाले चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया है नमक के साथ, और मैं सालन में भी जो इसकी तरकारी हम सालन बना रहे हैं इसके अंदर भी हम नमक ऐड करेंगे, और इसके अंदर भी नमक हम ऐड कर चुके हैं। तो आपने नमक का लेवल अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है कि आपका नमक ज़्यादा ना हो जाए। हाफ कप मेरे पास दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और हाफ कप से कम मेरे पास जो है प्याज है, ब्राउन जो कीवी प्याज होती है, ब्राउन कर ले प्याज को आपने, ये लेना है। इसके साथ जो इसमें मसाले जो जा रहे हैं, इसमें है तेज़पत्ते, गोल वाली हमारे पास रेड चिलीज़ हैं, तीलत मैंने ली हुई है, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, इसके अलावा इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं, और इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया है सौंफ, और धनिया है इसके अंदर, काली मिर्ची हैं, लौंग है। इन तमाम चीज़ों को आपने रोस्ट कर लेना है, इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। बाकी चीज़ों में हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, ये है मेरे पास राई 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है चिकन क्यूब, एक मैंने चिकन क्यूब लिया है, ये है मेरे पास जावित्री, और इसके साथ छोटी इलायची है, काला ज़ीरा है, इन तमाम चीज़ों को भी हम पीस लेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप चाहें तो उसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यह है मेरे पास हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा हसबे जायका, और इसके अलावा ये मैंने ली है देगी मिर्चें हैं, आप पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको एज इट इज़ इसमें डालूँगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, मिक्स करें। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला नहीं लगे, इसको थोड़ा पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी ब्राउन की भी प्याज थी, आपने इसको चूरा कर लेना है, मिक्स करें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इसको मैंने भून लिया है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अपने छोलों का मसाला तैयार किया है, रोस्ट कर लिया था और इसको मैंने पीस लिया है, इसको मिक्स करें। इसको मिक्स कर लिया, इसके बाद हमने इसमें ऐड करेंगे अपने छोले जो हमारे पास बॉइल थे, इसको मिक्स करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास छोलों का जो पानी होता है वो आप ऐड कर दें, इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं हमारे पास छोले, इस वजह से। ये देख सकते हैं आप हमारे जो पानी है इसमें डाला था मैंने छोलों का, पकना शुरू हो रहा है, और अब देखिए इसमें नमक ऐड करेंगे, और नमक का आपने हिसाब से इसमें ऐड करना है कि हमने अपने छोलों में ऐड किया था जब हमने उसको उबाला था, और इसमें हम भी नमक ऐड कर रहे हैं, और जो हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं उसके अंदर भी नमक पहले से होता है शामिल, तो इसलिए चिकन क्यूब। इसके साथ जो मेरे पास ये मसाला था जो मैंने पीस लिया है ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसके
दो से तीन मिनट पका लेंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप हरा धनिया, इसको आप मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। इसको हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी आज की रेडी है, जो हमने आपके साथ शेयर की है 12 मसाले के छोले रेसिपी। इसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप नॉर्मल पराठे के साथ और जो पूरी पराठे बनते हैं उसके साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी कर सकते हैं, नाश्ते भी आप उसको सर्व कर सकते हैं और आप उसको डिनर टाइम पर भी इंजॉय कर सकते हैं। बारिशों के मौसम में खासकर ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप बाहर से परचेस करते हैं लेकिन घर में आप इसको इजीली होममेड बना सकते हैं। और इसको जो मैंने मसाला आपको बनाना सिखाया है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से आप जब चाहें बना सकें उसको। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।